मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम सीखेंगे लेसन नंबर 12, विद्याधनम। विद्याधनम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद्या? नॉलेज। धनम का मीनिंग है वेल्थ, तो विद्याधनम का मीनिंग क्या हुआ? वेल्थ ऑफ नॉलेज। ओके, सो यहाँ पे एक एक वर्से से पोएट्री के वो हम लेते हैं। न चौर हार्यम न च राज हार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। देखो बहुत ही पोएट्री सुंदर है। न चोर हार्यम, विद्याधन कैसा है? वो कोई भी चोर उसे चुरा नहीं सकता है। न च राज हार्यम, कोई राजा भी हमारे हाथ से वो चुरा नहीं, मतलब खींच के नहीं लेके जा सकता। न भ्रातृभाज्यम, अगर दूसरी कोई वेल्थ है तो आपके भाई या बहन है तो आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें, लेकिन यहाँ पे अगर विद्या हमारे पास है तो उसका कोई भी भ्रातृ मतलब भाई उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा। न च भारकारी, दूसरा कोई धन है तो आपको उठाना पड़ेगा, उसका वजन रहेगा, लेकिन विद्या यहाँ रहेगी, उसका कोई भार नहीं रहता है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, व्यये कृते जैसे जैसे स्पेंड करेंगे वो बढ़ती जाती है। देखो ऐसे ये ऐसा धन है जैसे हम उसको स्पेंड करेंगे वो बढ़ेगा, दूसरा कोई भी धन हम स्पेंड करेंगे तो वो कम होगा, लेकिन विद्या का धन है वो हम स्पेंड करेंगे तो बढ़ेगा। वो कैसे? अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई एक क्वेश्चन अच्छे से आता है, आपके फ्रेंड को नहीं आता है, तो आप उसे एक्सप्लेन करो तो आपका नॉलेज बढ़ा या कम हुआ? बढ़ता है, वो कम नहीं होता। ओके, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, नित्यम अलवेज वो बढ़ते जाता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सर्व मतलब सब धनों में सबसे सुप्रीम, सबसे प्रधान, मतलब सबसे आगे, सबसे बेस्ट धन कौन सा है? तो विद्याधनम। ओके, अभी सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशह सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। आपको इस पोएट्री में विद्या मतलब नॉलेज का इम्पोर्टेंस बताया गया है। विद्या नाम नरस्य, नर मतलब क्या? इंसान। ओके, पर्सन। रूपम अधिकम, प्रचन्न गुप्तम धनम, नॉलेज इज पर्सन्स बेस्ट आइडेंटिटी एंड इट इज प्रचन्न गुप्तम धनम, मतलब वो हिडन वेल्थ है हमारी, वो किसी को ऐसे इजीली बाहर से दिखती नहीं है। ओके, प्रचन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशह सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या मतलब विद्या हेल्प्स प्रोवाइड द मीन्स ऑफ प्लेजर, हमें वो प्लेजर मतलब खुशी के लिए जो साधन रहते हैं वो हमें वो देती है। सुख करी है, इट प्रोवाइड्स फेम।
ओके, यश वो फेम हमें देती है एंड कंफर्ट मिलता है उससे, सुख करी मतलब सम उसे कंफर्ट मिलता है। विद्या गुरुणाम गुरु एंड द नॉलेज इज द टीचर ऑफ टीचर्स, गुरुणाम गुरु, गुरुओं की भी गुरु है वो। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विदेश गमने, अगर हम किसी बाहर फॉरेन कंट्री में जाएंगे एट दैट टाइम नॉलेज क्या है वो हमारा फ्रेंड है। नॉलेज इज़ लाइक अ फ्रेंड ऑन गोइंग टू फॉरेन कंट्री, नॉलेज इज़ लाइक अ फ्रेंड। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ जाते हैं अच्छा नॉलेज है तो हम वहाँ को एडजस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज हम पढ़े ही नहीं तो हम बाहर के कंट्री में रहना पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। विद्या परा देवता, परा देवता मतलब ग्रेटेस्ट गॉड, ग्रेटेस्ट डिविनिटी। विद्या राजसु पूज्यते, नॉलेज इज वर्शिप्ड अमंग द किंग्स। देखो राजाओं में भी विद्या का ही पूजन होता है। विद्या विहीन सॉरी विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, नॉलेज इज वर्शिप्ड अमंग किंग नॉट वेल्थ। एंड विद्या विहीन पशु, जो इंसान विद्या विहीन है, विद्या जिसने नहीं ली है, इट इज ही दैट मैन इज लाइक एन एनिमल। अ पर्सन विदाउट नॉलेज इज लाइक एन एनिमल। हमें भगवान ने इंसान का जन्म दिया है तो हमने नॉलेज तो हमने लेना ही चाहिए, अदरवाइज वी आर लाइक एनिमल। एनिमल जैसे पढ़ते नहीं है वैसे हम भी एनिमल हो जाएंगे। ओके, विद्या विहीन पशु हूँ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला। केयूराः का मीनिंग है ब्रेसलेट्स। ओके, केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम, मनुष्य को ब्रेसलेट है वो सुशोभित नहीं करता। मतलब ब्रेसलेट पहनने से हमारी शोभा नहीं बढ़ती है। पुरुषम मतलब पुरुष मतलब सब इंसान। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम, मनुष्य को ब्रेसलेट सुशोभित नहीं करते हैं। हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला मतलब चंद्र के समान चमकदार, ब्राइट एज द मून, ऐसा अगर कोई हार भी है चंद्रमा के जैसा चमकदार हार, वो भी हमें सुशोभित नहीं करता। न स्नानम न विलेपनम, स्नानम मतलब क्या बात, विलेपन, विलेपन का मीनिंग ऑइंटमेंट हम लगाते हैं। पहले के टाइम में चंदन वगैरह उसका लेप लगाते थे, अभी भी हम क्रीम वगैरह जो लगाते हैं ना उससे हम रियल में सुंदर दिखते हैं क्या? नहीं। देखो नाइदर ब्रेसलेट नॉर ब्राइट एज मून नेकलेसेस नॉर बाथ नॉर सेंटेड ऑइंटिंग ऑन द बॉडी। मतलब सैंडल सेफ्रन वो सब। न कुसुमम, कुसुम मतलब फ्लावर्स, नॉट फ्लावर्स। ना अलंकृता मूर्धजाः, अलंकृता मतलब सजाया हुआ, न अलंकृता मतलब नॉट डेकोरेटेड, मूर्धजाः बाल, हमारे बाल चोटी, मूर्धजाः का रीनिंग रियल मीनिंग होता है प्लेट। हमने कितने भी अच्छे सुंदर बाल बनाए हैं कुछ भी है उससे हम सुशोभित होने वाले नहीं है। तो हम रियल रियल में हमारा आभूषण क्या है तो वो है विद्या। नाइदर ब्रेसलेट नॉर ब्राइट एज मून नेकलेसेस नॉर बाथ नॉर सेंटेड एनॉइंटिंग ऑन द बॉडी नॉर फ्लावर्स डेकोरेटिंग द हेयर प्लेट एड ऑन अ पर्सन, वो कुछ भी पर्सन को एड ऑन नहीं करता है। ओनली स्पीच, वाणी एका, वाणी एका ही तो यहाँ पे वो क्या है हमारा संधि है, वाणी प्लस एका। ओनली स्पीच सम अलंकरोति, वही अच्छे से अच्छी स्पीच सम अलंकरोति पुरुषम। या संस्कृता धार्यते, संस्कृता मतलब रिफाइंड। अच्छी रिफाइंड वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। ओनली स्पीच विच इज लर्न्ड रिफाइंड एडॉन्स अ पर्सन वेल, मनुष्य को एकमात्र उसकी वाणी भली प्रकार सुशोभित करती है। वो वाणी जो उसे अच्छे से संस्कार के युक्त रूप में धारण की जाती है, मतलब व्यवहार में हम वही भाषा लाते हैं, हमारी वाणी वो हमारी कैसी होनी चाहिए, लर्न रिफाइंड स्पीच होना चाहिए हमारा। शीयन्ते अखिल भूषणानि, देखो ये भी हमारी संधि है, शीयन्ते अखिल भूषणानि दैट इज कॉल्ड अवग्रह, एस जैसा है वो।
शीयन्ते अखिल भूषणानि, सबके सब भूषण, भूषणानि मतलब ऑर्नामेंट्स, उनका नाश होता है, सभी आभूषणों का नाश होता है। ओके, शीयन्ते अखिल भूषणानि सततम् वाक् भूषणम् भूषणम्। लेकिन वाक् वाक् मतलब वाणी, वाणी का आभूषण है ना, वो सदैव रहने वाला आभूषण है। ऑल अदर ऑर्नामेंट्स आर डिस्ट्रॉयड, द ऑर्नामेंट ऑफ स्पीच इज एन एवर लास्टिंग ऑर्नामेंट। नाउ नेक्स्ट, मुझे ये पोएट्री बहुत अच्छी लगती है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति, कीर्ति ही अतुला, कीर्ति रतुला भाग्यशय चाश्रय, चाश्रय मतलब च आश्रय। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्यशय चाश्रय, धेनु कामधुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा। सत्कारा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैः विना भूषणम् तस्मादन्योपेक्ष्य सर्वविषयम् विद्याधिकारम् कुरु। वेरी नाइस। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, विद्या क्या है, वास्तव में रियल में मनुष्य की अतुल्य कीर्ति है। अतुल्य मतलब इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, ऐसी फेम है वो, इनक्रेडिबल फेम। लर्निंग इज इंडीड मैंस इनक्रेडिबल फेम। ओके, मतलब उसके साथ किसी को भी, दैट इज लर्निंग ब्रिंग्स अनपैरेलल फेम, उसके साथ कोई मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकता। ओके, धेनु हूँ कामधुधा, धेनु धेनु एक्चुअली आपने सुना होगा, धेनु हूँ मतलब एक स्वर्ग में एक काऊ थी, उसका नाम कामधेनु था। ओके, काम जो मत कामधेनु मतलब हम जो भी विश करते थे वो पूरी होती थी, ऐसे कहा जाता है। तो विद्या को कामना पूर्ति करने वाली गाय कामधेनु कहा गया है। ओके, अंडरस्टैंड, विद्या को क्या बोला गया है, कामदुधा धेनु मतलब हमारी इच्छा पूरी करने वाली गाय, वो ऐसा कहा गया है। रति ही च विरहे, विरहे मतलब एडवर्स सरकमस्टेंस, अगर कोई भी एडवर्स सरकमस्टेंस है एट दैट टाइम, विद्या है वो रति है, रति है मतलब वो हमें प्रेम करती है, मतलब वो हमें सपोर्ट करती है। कितना भी खराब टाइम हम पे आ जाए, एट दैट टाइम विद्या का हमें अच्छे से सपोर्ट मिलता है, नॉलेज का। नेत्रम तृतीयम च सा, उसको थर्ड आय कहा गया है, थर्ड आय। आपको पता है तीसरी आँख किसको है, शंकर भगवान को है ना। ओके, यहाँ विद्या को तीसरी आँख कहा गया है, क्योंकि विद्या ऐसी चीज़ है दैट कैन परसीव एवरीथिंग बियॉन्ड नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन के बाहर वो सब देख सकती है। ओके, इट इज़ अ काउ दैट फुलफिल्स ऑल डिजायर्स। ओके, एंड इट इज़ लव इन टाइम्स ऑफ सेपरेशन। रति ही च विरहे, सेपरेशन के टाइम में या किसी भी खराब टाइम में वो हमारा प्रेम रहती है, हमें सपोर्ट करती है। इट इज़ द थर्ड आई दैट कैन परसीव एवरीथिंग बियॉन्ड नॉर्मल विजन। ओके, सत्कारा यतनम कुलस्य महिमा रत्नैः ही विना भूषणम, इट इज़ द गिवर ऑफ ऑनर। सत्कारा यतनम कुलस्य महिमा, कुलस्य महिमा कुल, हमारा जो फैमिली है वो हमारा कुल कहा जाता है, उसका महिमा मतलब क्या, वो प्रेस्टीज है हमारे फैमिली की। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो ऐसे कहा जाता है, इसका बेटा इतना पढ़ा है, तो सबको कितना प्राउड फील होता है ना। इट इज़ द गिवर ऑफ ऑनर, इट इज़ द प्रेस्टीज ऑफ फैमिली। एंड रत्न ही विना भूषणम, विदाउट ज्वेल्स, इट इज़ ऑर्न, इट इज़ एन ऑर्नामेंट। ओके, एडॉर्नमेंट, वो हमें एड ऑन करती है, कोई भी ज्वेलरी नहीं है फिर भी वो हमें एड ऑन करती है। हमारा स्विच देख के सामने वाले को पता चलता है कि ये नॉलेजेबल पर्सन है, ज्वेलरी देख के नहीं पता चलता। अंडरस्टैंड, ज्वेलरी कितनी भी पहनो लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके स्पीच में वो रिफाइनमेंट नहीं है, अच्छे से बोलते नहीं हो तो पता चल ही जाता है कि ये पर्सन नॉलेजेबल नहीं है। ओके, इट इज़ द प्रेस्टीज ऑफ फैमिली, इट इज़ एन एडॉर्नमेंट विदाउट ज्वेल्स, विदाउट एनी ज्वेल्स। तस्माद अन्य उपेक्ष, हैंस तस्माद, हैंस अन्य, दूसरों दूसरा सब छोड़ना चाहिए, उपेक्ष इग्नोरिंग एवरीथिंग, अन्य उपेक्ष मतलब इग्नोरिंग एवरीथिंग, सर्व विषयम एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ के क्या करना चाहिए, विद्या विद्या अधिकारम कुरु, हमने विद्या विद्या पर मास्टरी लेनी चाहिए, विद्या पर प्रभुत्व मिलाना चाहिए, मास्टरी ओवर लर्निंग। ओके, हैंस इग्नोरिंग एवरीथिंग गेन्स मास्टरी ओवर लर्निंग।
ये हुआ हमारा पोएट्री का एक्सप्लेनेशन। अब हम देखेंगे शब्दार्थ आहा। पोएट्री के नीचे शब्दार्थ आहा आपको दिए है, आपने वो कॉपी करने हैं। संस्कृत टू इंग्लिश लिखना है, हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। चौरहार्यम मतलब क्या है? टू बी स्टोलन बाय अ थीप। राजहार्यम टू बी अटैक्ड बाय अ किंग। भ्रातृभाज्यम टू बी डिवाइडेड अमंग ब्रदर्स। भारकारी बर्डन। प्रच्छन्न गुप्तम हिडन, ओके वो हमारा हिडन वेल्थ है। भोग करी भोग का साधन उपलब्ध करने वाली, गिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लेजर। नाउ नेक्स्ट परादेवता, देखो विद्या परादेवता मतलब सबसे बड़ी, द ग्रेटेस्ट गॉड है परा, द ग्रेटेस्ट। राजसू अमंग किंग्स। केयूराहा ब्रेसलेट्स। चंद्रोज्ज्वला चंद्र प्लस उज्ज्वला, ओके चंद्रमा के समान चमकदार मतलब एज ब्राइट एज द मून। विलेपनम देखो हम ऑइंटमेंट लगाते हैं उसे विलेपनम कहा जाता है, शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य मतलब अनॉइंटिंग, ओके ऑइंटमेंट लगाते वो मतलब चंदन वगैरह। आज भी आप क्रीम तो लगाते हैं ना, कोई लड़कियां तो बहुत सारी लगाती है, ओके न अलंकृता ना अलंकृता दिस इज अ संधि, ओके न प्लस अलंकृता क्या है वो न प्लस अ, ओके ना हो गया, ओके यहाँ पे संधि है। नहीं सजाया हुआ अनडेकोरेटेड। नाउ मूर्धजा हाँ प्लेट हेयर बाल, ओके वाणी एका, वाणी एका मतलब वाणी एका ओनली स्पीच अलोन, ओके स्पीच अलोन। समअलंकरोती मतलब अच्छी तरह सुशोभित करती है, डेकोरेट्स। संस्कृता वेल कल्चर्ड रिफाइंड। धार्यते इज बॉर्न धारण की जाती है। शीयन्ते अखिल भूषणानी ऑल ऑर्नामेंट्स पेरिश। दिस वर्ड्स उसके बाद कुछ और भी वर्ड्स है ना, हाँ भाग्य क्षये, भाग्य मतलब क्या हमारा भाग्य है उसका क्षय होना मतलब अच्छे दिन हमारे चले गए कुछ भी हुआ एट दैट टाइम। अगर विद्या है हमारे पास, विद्या भाग्य चय चाश्रय हो, ये लाइन शायद मैंने एक्सप्लेन ही नहीं की है, च आश्रय हो एट दैट टाइम हमारा सहारा क्या रहती है, विद्या ही रहती है। देखो आप कितने भी अगर पढ़े लिखे हो, अगर आप बिजनेस है आपके पापा का या कुछ है उसमें बैठे दुकान है कुछ लॉस हुआ तो आप अच्छे से जॉब कर सकते हो, मतलब आपका भाग्य का क्षय हो गया अच्छे दिन चले गए फिर भी आपका आश्रय क्या हुआ आपकी विद्या ही, आप विद्या है उसने आपको सहारा दिया। एट दैट टाइम अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आपको कोई सहारा नहीं मिलता, ओके विद्या भाग्य क्षय च आश्रय हो, ओके वैन गुड डेज एंड इट इज़ अवर हेल्पर। कामधुधा बिल्डिंग ऑल डिजायर ऑब्जेक्ट्स, ओके इट इज़ कामधुधा धेनु हु। सत्कारायतनम स्टोर अ हाउस ऑफ रिस्पेक्ट्स, वो हमें क्या करती है रिस्पेक्ट देती है। रत्न ही विना विदाउट ज्वेल्स विद्या अधिकारम मास्टरी ओवर लर्निंग। तस्माद अन्य उपेक्षम अतः दूसरे सबको छोड़कर देयर फॉर गिविंग अप अदर्स, हमने क्या करना चाहिए विद्या अधिकारम कुरु विद्या लेनी चाहिए। ये शब्दार्थ था, थोड़े कुछ एक्स्ट्रा है। वर्धत और वर्धते इंक्रीजेस। प्रधानम बेस्ट नित्यम अलवेज। गुरुणाम सचदेवी कौन सी विभक्ति है गुरु, गुरु का टेबल आपका हो चुका है। षष्ठी बहुवचन ऑफ टीचर्स। विद्या विहीन विदाउट नॉलेज। वाक्भूषणम ऑर्नामेंट ऑफ स्पीच। कीर्ति रतुला कीर्ति ही प्लस अतुला इनक्रेडिबल फेम अनपैरेलल फेम। विरहे इन द टाइम ऑफ सेपरेशन। कुलस्य ऑफ फैमिली महिमा प्रेस्टीज। यहाँ तक हमारा हो चुका है, नेक्स्ट पीरियड हम देखेंगे पार्ट टू, ओके शायद ये हमारा पार्ट टू लाइव सेशन में भी हो सकता है, ओके जैसे हमें टाइम मिलता है हम देखते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको ये पोएट्री अच्छे से पता चल गई, बहुत सुंदर पोएट्री है कि विद्या ये ऐसी है जो कोई चोर भी चुरा नहीं सकता, नाइदर इट कैन बी स्टोलन बाय एनी बाय थीव्स और नॉर इट कैन बी स्नैच अवे बाय द किंग्स, ओके नॉर इट कैन बी डिवाइडेड बाय ब्रदर्स, वो भ्रातृभाज्यम भी नहीं है। Nor it does wait और भार करीबी नहीं है। It always grows on spending or using. The wealth of knowledge is the best of all wealth.
ओके, सब के सब वेल्थ में वो बेस्ट है। एक एक पैराग्राफ उसका बहुत ही सुंदर है। ओके, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हो। नाउ मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से पता चला। नेक्स्ट पीरियड वी विल टेक पार्ट टू, मतलब इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।